नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात देशी राज्यों यानी रियासतों का एकीकरण के बारे में। हम आपको बताएंगे कैसे हुआ था इनकी एकीकरण, जिनमें जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद। लेकिन आज हम बात करेंगे हैदराबाद की। हम आपको बताएंगे क्या था ऑपरेशन पोलो, साथ ही हम आपको बताएंगे किसे कहते हैं प्रीवी परस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आगे हमारे सेशन आए जिनमें हम आपको बताएंगे जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल, जोधपुर और त्रावणकोर के बारे में, लेकिन आज हम हैदराबाद के बारे में आपको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को ये विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकती हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती हैं। तत्कालीन समय में यानी कि जब 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या कवर करती थी। वो आगे हम आपको बता दें ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थे। ये रियासतें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार के लिए एक सहायक के रूप में थी। इनके अलावा हम आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, साथ ही वीपी मेनन की सहायता से इन रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। हम आपको बता दें उन्होंने प्रीवी परस, एक भुगतान तो शाही परिवार को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था, की अवधारणा को पुनः स्थापित किया। हमने बताया था आपको, हम बताएंगे क्या है प्रीवी परस। प्रीवी परस एक भुगतान है जो शाही परिवार को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था, यानी कि कुछ पैसे समझ लो या आप कुछ भी समझ लो, जो भी भारत में जो राजा जो रियासत शामिल होगी उसके राजा को दिया जाएगा। आगे कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया तो कुछ ने स्वतंत्र रहने का, वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान का भाग भी बनना चाहती थी। हम आपको बता दें लेकिन हम आपको आज बताएंगे कैसे हैदराबाद भारत का हिस्सा बनी। ये सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं सबसे समृद्धशाली रियासत थी हैदराबाद, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। कुछ रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, यानी हैदराबाद जो रियासत थी उसकी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। हम आपको बता दें इसने मतलब उस निजाम ने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से यानी मोहम्मद अली जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कसमकस एवं उलझने समय के साथ बढ़ती चली गई। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदनों एवं धमकियां निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकी और उसने लगातार यूरोप से हथियार के आयात को जारी रखा। परिस्थितियां तब भयावह हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी। हम आपको बता दें उसके तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस वक्त हमारे गृह मंत्री थे, 13 सितंबर 1948 के स्टार्ट किया उन्होंने ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया और 4 दिन चले शस्त्र संघर्ष के बाद अतः हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बनाया गया। हमने बताया आपको कैसे विलय हुआ हैदराबाद का। हमारे आज के सेशन में इतने, आगे बताएंगे हम आपको कैसे विलय हुआ भारत में जूनागढ़ का, कश्मीर का, भोपाल का, जोधपुर का और त्रावणकोर का। हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब और बने रहें हमारे साथ। हमारे आज के सेशन में इतना ही।
थैंक यू।